इस गुजारिश पर गौर तक क्यों करो? क्यों सोच रहा हूं इतना उसके बारे में? इसमें ताज्जुब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषभ। ये कुछ दिल के बहुत गहरे जज्बों से इनकार करने का जो दिमाग अक्सर दिखावा करता है, पर दिल की सच्चाई के सामने दिमाग की सारी दलीलें फीकी पड़ जाती हैं। क्या ये तो क्या कह रहा है यार? तेरी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती ऋषभ। तेरे दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। दिमाग जो रंजना देवी की गुजारिश को ठुकराना चाहता है, पर दिल है कि मानता नहीं। यार एक कंबक दिल तो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन मेरा दिल ये जानता है कि मेरी जरूरतों को ठुकराकर रंजना देवी आज करण की मां बन बैठी, तो मैं उनकी मदद क्यों करूं यार? लेनिन के पास जाकर करण को बचाने के तरीके क्यों तलाश करूं मैं? ये सवाल तो बेशक उठेंगे ऋषभ, और इनके जवाब भी तुझे खुद ही ढूंढने हैं। 20 साल तक तू रंजना देवी को अपनी मां कहता और मानता है, लेकिन करण को तेरी जिंदगी में दाखिल हुए शायद अभी 20 महीने भी नहीं हुए। और इन 20 महीनों में अभिजीत, रंजना देवी ने जिस रफ्तार से मुझसे फासला बनाया है, उस रफ्तार से 20 सालों में मेरे करीब नहीं आई यार। तो फिर फैसला कर ले कि तुझे रंजना देवी की मदद नहीं करनी है। ये त्रिशंकु की तरह बीच में लटकने वाली जो स्थिति होती है ना, बहुत बुरी होती है। या इधर या उधर। देख यार, अगर मैं उनकी मदद ना करूं तो मुझे बहुत फायदा होगा। करण से डेफिनेटली मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लेन के पास जो सबूत है वो करण को जेल पहुंचाकर ही दम लेगा, और मुझे और क्या चाहिए? बोलना यार, मैं ठीक कह रहा हूं ना ऋषभ? बात कुछ जम नहीं रही यार। यार तू तो मुझे हेल्प करने के बजाय मुझे और कंफ्यूज कर रहा है, कोई फैसला लेने ही नहीं देता तू। अरे ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो? लेनिन के पास करण के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वो सुधाकर राव का कातिल है। तो मां ये चाहती है कि मैं किसी भी तरह करण को बचा लूं, उस करण को। मुझे लगता है तुम्हें ये मदद करना कबूल कर लेना चाहिए। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मेरा? तुम चाहती हो कि मैं जाकर उनकी मदद करूं, जबकि दिन रात मैं करण को अपने रास्ते से हटाने के तरीके तलाश करता रहता हूं, और तुम इस तरह? तो करण लेनिन के हाथों तबाह हो जाएगा, क्या वो तुम्हें मंजूर होगा? ऋषभ, ये मौका हाथ से मत जाने तुम। करण की जिंदगी बचाकर तुम उस पर जो एहसान करोगे, वो एक मौत खुद ब खुद मर जाएगा। और रंजना देवी जो करण के नाम के नगाड़े बजाया करती हैं, तुम्हारी मुरीद हो जाएगी। रंजना देवी को अपना मुरीद बनाने का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई है। क्यों मैं करण को लेनिन के हाथों मरने दूं? नहीं, मैंने तय कर लिया, मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ रंजना देवी की।